बोली राधा रानी की जय। विश्वान दुलारी की जय हो। सिलाजी लाल विजेते राम। विश्वान दुलारी की जय हो। आप सभी एक बार फिर से जुड़े हुए हैं मेरी राधारानी परिवार से। तो हम आज कार्तिक उत्सव के साथ साथ आज करवा चौथ के दिन हम लाइव आपके लिए लेकर आए हैं। तो पहले एक बार आप सभी संपूर्ण मंदिर के नज़ारे का आनंद लीजिए। उसके बाद हम श्री जी के श्रृंगार का वर्णन करेंगे और मंदिर में जो दीपदान जो हो रहा है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे और दर्शन कराएंगे। और जल्द ही हम अपने परिवार की तरफ से दीपदान की सेवा भी हम रखेंगे। और श्री जी की दहली श्री जी की चौखट पर हम दीप उत्सव का आनंद लेंगे। आज श्री जी ने गर्भगृह में दर्शन दिए। 3 दिन से हम लाइव नहीं आ पाए लेकिन अब कार्तिक उत्सव चल रहा है अभी तो हम आपको बहुत आनंद दिलाएंगे। चलिए हम एक बार आपको दीप उत्सव में सम्मिलित करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है श्री राधे। श्री जी के महल में दीप उत्सव का अलग ही आनंद है क्योंकि कार्तिक के महीने में जो दीप दान किया जाता है वो भी श्री जी के महल में श्री जी की स्थलियों पर उसका आनंद ही कुछ और है। देखिए श्री जी के महल में ये भक्त करवा चौथ के दिन यहाँ कहानी पढ़ के अपने पतियों के लिए व्रत रखती है और कई भक्त अपने ठाकुर जी के लिए भी व्रत रखते हैं। कोई राधा रानी के लिए व्रत रखता है। सबके अलग अलग भाव हैं। जिस रूप में अपने ठाकुर जी को मानती हैं वो अपने ठाकुर जी के लिए रखती हैं, पतियों के लिए रखते हैं। और कल हम फिर से लाइव आएंगे। कल भी आप हमारे लाइव का आनंद लीजिए और साथ ही साथ लाइक कमेंट और शेयर भी करते रहिए ताकि और भी भक्त जुड़कर आनंद लें। और जल्द ही हम श्री जी की चौखट से कार्तिक महीने में हम दीपोत्सव का आनंद दिलाएंगे। ये श्री जी की सफ़ेद छतरी के जो आप दर्शन कर रहे हैं यहाँ श्री जी वर्ष में 3 बार आकर सभी भक्तों को दर्शन देती हैं। मैं आपको थोड़ा और अंदर की ओर लिए चलूँगा। आप सभी लोग एक बार जुड़ जाइए और फिर हम श्री जी की लीलाओं के साथ श्री जी के महल का आनंद लेंगे। सभी को जय जय श्री राधे। मेरी राधा रानी हम सबकी राधा रानी। सभी भक्त कार्तिक मौसम में स्नान भी करते हैं। सुबह सुबह स्नान करके पूजा पाठ करके कार्तिक महात्म की कथाएं पढ़ते हैं। कार्तिक देवता की भी देखिए बहुत बड़ी कृपा होती है
एक चमत्कार जो मुझे भक्त ने शेयर किया, मैं वह भी आपको शेयर करूंगा कि कैसे कार्तिक नहाने से ठाकुर जी की तो प्राप्ति होती है। कार्तिक के नहाने से ठाकुर जी की प्राप्ति तो होती है, लेकिन कार्तिक के नहाने से कभी आपने सोचा कि कभी अपनी भी सुरक्षा होगी, अपना भी अलग ही आनंद आएगा। देखिए श्री जी के महल में यहाँ भजन चल रहे हैं, मैं एक बार पहले आपको पूरा व्यू, एक बार आप चाहो तुलसी माता हे सुखदाता तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योत जगाए हम सब तेरी, यह भक्ति है मेरी। और श्री जी के आज के जो दर्शन हैं वो गर्भगृह के दर्शन हैं, गर्भगृह का आनंद ही कुछ और होता है। मैं एक बार आपको जूम करके अंदर की ओर लिए चलता हूँ। देखिए ऐसे ही श्री राधा रानी की कृपा मेरी राधा रानी के परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। वह श्री जी के बिल्कुल गर्भगृह के दर्शन है जिसका आनंद ही कुछ और होता है। और सभी को जय श्री राधे। देखिए जो जब श्री जी गर्भगृह में दर्शन देती हैं तो संध्या आरती के बाद श्री जी के औलाई के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। श्री जी की औलाई में श्री जी के सभी आभूषणों को उतार कर श्री जी का भोग लगाया जाता है। फिर उसके बाद श्री जी का शयन भोग लगता है और शयन भोग लगने के बाद श्री जी की शयन आरती होती है। तो कार्तिक महीने में देखिए बहुत रस बरसता है, कार्तिक महीने में बहुत रस बरसता है। और बस यही कहते हैं जो रस बरस रहे हो बरसाने वो रस तीन लोक में ना, क्योंकि यहाँ रस नहीं यहाँ महारस है, महारास है, श्री जी का महारास है। यहाँ महारास की प्राप्ति होती है। और हम उससे पहले जब हम लाइव जुड़े शरद पूर्णिमा से, हमने पूर्णिमा शरद पूर्णिमा में श्री जी के दर्शनों का, श्री जी की आरती का आनंद लिया। और आज हम करवा चौथ पर जुड़े हैं आपके साथ, तो आप ये हमारे साथ जुड़कर श्री जी की लीलाओं का आनंद लीजिए। श्री जी ने बहुत ही प्यारी सुंदर पोशाक पहन रखी है, मैं पोशाक का भी वर्णन करूँ तो सभी लोग एक बार पहले प्यार से एक बार बोल दीजिए मेरी राधा रानी हम सबकी राधा रानी। और कमेंट के जरिए मुझे एक बार जरूर शेयर कीजिए कि आज श्री जी ने कौन सा कलर की पोशाक पहन रखी है। श्री जी ने आज कौन से कलर की पोशाक के साथ करवा चौथ के इस पर्व पर श्री जी दर्शन दे रहे हैं। देखिए महल में दीपोत्सव का आनंद है, अंदर श्री जी के महल में श्री जी के वो मधुर मधुर भजनों की धुन और बाहर दीपोत्सव। और अभी तो ये कार्तिक उत्सव और भी अभी आनंद में देने वाला है। और हम भी एक दिन पूरे परिवार की तरफ से पूरे महल में श्री जी के पूरे महल में दीपोत्सव की सेवा रखने वाले हैं, जो कि पूरा महल
दीपोत्सव से दीपों से सजा हुआ होगा। हम सभी मिलकर उस सेवा का लाभ लेंगे और जल्द ही हम मेरी राधा रानी परिवार के सहयोग के साथ हम इस महल को दीपोत्सव से पूरे महल को जगमगाएंगे। और फिर हम दीपोत्सव का आनंद लेंगे, श्री जी की चौखट से स्टार्ट करेंगे, श्री जी के चरणों में, फिर उसके बाद श्री जी की दहलीज पर एक एक दीपक रख के श्री जी के जगमोहन में पूरे दीपक की रोशनी इस तरह से फैलाएंगे। और फिर हम बाहर आकर मेरी राधा रानी दीपक के माध्यम से इस तरह से सजाएंगे। सच में बहुत आनंद आएगा। और आज करवा चौथ है तो चंद्रमा काफ़ी लेट से निकलते हैं, सभी को बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। तो दीपोत्सव की हम डेट अभी फिक्स नहीं कर रहे हैं, जल्द ही फिक्स करेंगे। उस दिन हमारे पूरे महल में, देखिए यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक, दीपों से पूरा महल जगमगाएगा। तो यह सब आपके सहयोग के साथ हम इस सेवा की शुरुआत करेंगे। तो देख कार्तिक उत्सव में दीपदान का बहुत ही प्यारा आनंद होता है। और जब आनंद तो तब आएगा जब मेरी राधा रानी श्री जी के महल में तो हमेशा छाई हुई है, लेकिन जब दीपदान के माध्यम से जब हम दर्शन करेंगे श्री जी के महल के, श्री जी की उस छटा के, तो सच में आनंद क्या वो परमानंद में तब्दील हो जाएगा। और फिर श्री जी की सेवाएं निरंतर चलती रहेंगी। श्री जी की जो सेवाएं हैं वो कंटिन्यू चलेंगी। हम श्री जी की सेवा से जुड़कर हम हर कोई धन्य होना चाहेंगे। तो चलिए एक बार हम जय हो गौ माता, ये हमारे गोविंद की बहुत ही प्रिय है। और जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि श्री जी का गर्भगृह के जो दर्शन होते हैं वो ओलाई के दर्शन भी होते हैं। तो अभी पर्दा आ चुका है, श्री जी अपने श्रृंगार उतरवा रही हैं, पुजारी जी श्रृंगार उतार रहे हैं। तो आप सभी ऐसे ही शेयर कर और सभी भक्तों को ऐसी रसमय लीलाओं का आनंद दीजिए। और कल हमारे साथ जुड़कर लाइव, कल सुबह हम लाइव आएंगे, हमारे साथ लाइव जुड़कर आनंद लीजिए। और आपके एक शेयर से और भी भक्तों को इस लीला का आनंद मिलेगा। ये यहाँ संतों के दर्शनों का आनंद लीजिए। श्री जी के महल में देखिए सच में वो आनंद आता है। वो कहते ना, शांति कहाँ है, शांति है श्री जी के चरणों में। किसी को आनंद तुच्छ धन ही कमाने में, किसी को आनंद राजनीति में, किसी को प्रपंच में, लेकिन भैया हमारा आनंद तो श्री राधा रानी के चरणों में है। हमारा आनंद श्री राधा रानी के चरणों में है। इस आनंद को हम कभी अपने से अलग नहीं होने देंगे। जैसे ठाकुर जी कभी श्री जी अपने से किसी को अलग नहीं होने देते, उसी तरह हम भी अपने इस आनंद को कभी अलग नहीं होने देंगे। और श्री जी की कृपा मेरी राधारानी के परिवार पर ऐसे ही होने वाली है। श्री जी का भी ओलाई का पर्दा खुलेगा। ओलाई के पर्दा खुलने के बाद
श्री जी के 5 मिनट के लिए दर्शन होंगे। 5 मिनट के दर्शनों के बाद श्री जी का शयन भोग आएगा। और श्री जी शयन भोग में मैं आपको आज बताऊं श्री जी के शयन भोग में क्या क्या लगता है। श्री जी की जो शयन भोग की जो प्रतिक्रिया होती है, तो रात्रि के समय हमारे श्री जी के शयन भोग में गरम पूड़ियाँ होती हैं, ज़्यादा गर्म भी नहीं होती, नॉर्मल गर्म होती हैं पूड़ियाँ। और श्री जी को रात्रि में नित्य प्रति आटे के हलवों का भोग लगता है। और श्री जी को शाम के टाइम सूखी सब्जी जो होती है, सूखी सब्जी का भोग लगाकर पुजारी से भोग लगाते हैं। और उसके बाद जब भोग लगता है, जब शयन का जब लास्ट का टाइम बचता है, तो श्री जी को दूध का भोग लगाया जाता है। श्री जी को दूध का भोग लगाकर श्री जी का जल लाजमनी होता है, पान बीड़े का प्रसाद लगता है। और फिर श्री जी की शयन आरती का समय हो जाता है। श्री जी की शयन का समय बहुत ही सुकून देने वाला होता है। श्री जी की मंगला और श्री जी की शयन सच में बहुत प्यारी होती है। ऐसा माना जाता है कि श्री जी की मंगला जो भी भक्त करते हैं, एक दोहा ब्रजवासियों ने शेयर किया है, मैं आपको करूँगा। कहते हैं, जो करेगा मंगला वो कभी ना होगा कंगला। कंगला मतलब कि उस पर कभी धन की कमी नहीं होगी, वो कभी परेशान नहीं होगा। और जिसे शांति चाहिए वो सच में शयन आरती का आनंद लेकर शयन का आनंद लीजिए। शयन आरती पर वो सुकून का पल मिलता है, जिसे सच में कभी आप महसूस कीजिए। अभी तक आपने श्रृंगार के, राजभोग के, संध्या के दर्शन किए हैं, और कभी अगर श्री जी कृपा करें तो मंगला और शयन के दर्शन का आनंद लीजिए एक बार, सच में बहुत आनंद आएगा। हम 3 दिन थोड़ी व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए लाइव, लेकिन अब कार्तिक महीने हम आपको श्री जी के बहुत करीब लेकर चलेंगे। श्री जी के पोशाक, श्री जी के श्रृंगार एक एक से रूबरू करवाएंगे, एक एक से आनंद दिलवाएंगे आपको। आपको भी बहुत आनंद आएगा हमारे साथ जुड़कर। श्री जी के महल में कैसे ज़्यादा भक्तों की भीड़ नहीं है, क्योंकि बहुत भक्त दर्शन कर चुके हैं, बहुत भक्त श्री जी के दर्शन कर चुके हैं और आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। यहाँ इतना भी वो नहीं है कि आपको लाइन से आना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ डिस्टेंस तो अपने आप ही बन जाता है, क्योंकि स्पेस काफ़ी है, इसलिए इतनी परेशानी नहीं है। आप भी आइए और कार्तिक महीने में श्री जी के महल का आनंद लीजिए। और आज सभी को करवा चौथ की, सभी माताओं को, सभी बहनों को, जो कि अपने पतियों के लिए और कई भक्त ठाकुर जी के लिए जो व्रत रखती हैं, सभी को दिल से बधाई। जो इतना इतनी मेहनत वाला, जो कि पानी तक छोड़ देती है अपने पतियों की लंबी आयु के लिए, श्री जी के देखिए दर्शन खुल चुके हैं, श्री जी के ओलाई के दर्शन खुल चुके हैं। हम भी एक सेकंड की एक झलक ले लेते हैं। श्री राधा, श्री राधा। अभी ओलाई के दर्शन है, अभी ओलाई के दर्शन है, अभी भोग आएगा, उसके बाद आरती होगी। अभी देखिए श्री जी ने, मैं वर्णन करूँ,
श्री जी के ओलाई के दर्शनों के, तो महारानी ने सच में सभी श्रृंगार उतार दिया है और श्री जी बिल्कुल एक पाटिया में दर्शन दे रही है। श्री जी एक छोटे से पाटिए में दर्शन दे रही हैं, श्री जी के मुखमंडल के दर्शन हो रहे हैं, श्री जी के हस्त कमलों के दर्शन हो रहे हैं। श्री जी ने एक प्यारी से छोटी सी ओढ़नी ओढ़ रखी है और उसके बाद हमारे ठाकुर जी इस सारा श्रृंगार उतार कर दर्शन दे रहे हैं। लाल जी ने गुलाबी रंग की पोशाक है और गुलाबी कलर का ही टोप, मतलब जो टोपी है वो लाल जी ने पहन रखी है और सच में इतना प्यारा चंदन ठाकुर जी के लग रहा है। और ओलाई के जो दर्शन होते हैं, ओलाई और मंगला के जो दर्शन हैं, वो सच में श्री जी और ठाकुर जी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। इसमें हमें विग्रह की एक एक अंगों के दर्शन होते हैं कि श्री जी और प्रिया प्रीतम के जो एक एक उंगलियों के दर्शन, हस्त कमलों के दर्शन, मुखमंडल के दर्शन का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। देखिए श्री जी का जो मेन गेट है वो बंद हो चुका है, अब श्री जी का भोग का समय हो चुका है। आप भी यह आनंद जो ले रहे हैं लेते रहिएगा, श्री जी प्रसाद पाएंगे और उसके बाद श्री जी की शयन आरती होगी। ये गोपाल जी के दर्शन, जो कि भक्त अपने साथ लेकर आते हैं, कई भक्तों की ये विनती होती है कि भैया हम अपने गोपाल जी को श्री जी के दर्शन करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। देखिए आज आपको श्री जी के चौखट के दर्शनों का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, यहीं से आप श्री जी की चौखट पर अपनी हाजिरी लगाकर, क्योंकि आज करवा चौथ है, जिस तरह हम चाँद के दर्शन करते हैं उसी तरह आज श्री जी की चौखट के दर्शन कर कर हम अपने इस करवा चौथ के पावन पर्व को और ही सुंदर और महत्वपूर्ण बनाएंगे। ये गौ माताओं के दर्शन, यहाँ सभी भक्त दर्शन करके यहाँ की परिक्रमा लगाते हैं और इस परिक्रमा को लगाकर वो अपने आप को धन्य धन्य समझते हैं। मैं एक बार और जूम करता हूँ, सभी शेयर भी करते रहिए और श्री जी की चौखट के दर्शनों का आनंद लेते रहिए। और कल हम फिर से लाइव सुबह जुड़ेंगे आपके साथ, आप भी हमारे साथ जुड़कर आनंद लीजिएगा। कल 10 बजे हमारे साथ श्री जी के महल से लाइव उस सब का आनंद लीजिएगा। हम एक बार श्री जी के महल से संपूर्ण लाइव अभी हमने आपको दर्शन कराया और एक बार और फिर से हम आपको दर्शन करा देते हैं। क्योंकि श्री जी के महल में तो सच में मेरा नाम चंद्र गोस्वामी है जी, अभी 11 से अभी आने, अभी सेवा में आने वाले हैं। ये देखिए श्री जी के गोपाल जी के दर्शन, आपको मैंने देखा है, आपने को मैंने कई बार देखा है, बातें रहते हो मेरे पता है। देखिए देखिए इनके गोपाल जी के दर्शन भी कीजिए आप। ये श्री जी के
दर्शन के लिए यहाँ सभी भक्त आते हैं और अपने गोपाल जियों को श्री जी के चरणों में हाथ जी लगवा कर अपने आप को धन्य धन्य समझते हैं। कहते हैं जब तक श्री जी की कृपा नहीं होती तब तक बिहारी जी की कृपा भी नहीं मिल सकती है। कहते हैं राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। जब तक राधा रानी की शक्ति नहीं मिलेगी तब तक बिहारी जी की कृपा आप तक नहीं पहुँच पाएगी। तो सभी भक्त अपने गोपाल जी में ही बिहारी जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। और चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। अब दीप उत्सव का आपको आनंद दिलाते हैं फिर एक बार। यहाँ देखिए, यहाँ करवा चौथ की कहानियों की पूजा हो रही है। ये भी बड़ा सौभाग्य की बात है जो श्री जी के महल में, हर कोई पर्व तो हर कोई मनाता है लेकिन श्री जी के महल में ऐसे पर्व का जो आनंद लेते हैं सच में। यहाँ करवा चौथ की जो कहानी चल रही है, पूजा हो रही है, श्री जी के सामने किया हुआ हर एक पर्व सौभाग्यशाली होते हैं। श्री जी के महल में तो अगर एक दिन के लिए अगर सोने का भी अगर आनंद मिले ना, उसकी भी बात अलग है। यहाँ तो श्री जी के महल में जो गोस्वामी जो पुजारिन होती हैं वो यहीं होली खेलती हैं, यहीं करवा चौथ रखती हैं और यहीं सारे पर्वों के साथ अपने उत्सवों का आनंद लेती हैं। और कल फिर से हम आपसे जुड़ेंगे लाइव 10 बजे फेसबुक के माध्यम से, और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा कल 10 बजे क्योंकि महल पूरी तरह से अभी सभी भक्त बैठे हुए हैं क्योंकि श्री जी के भोग का समय हो गया है। श्री जी प्रसाद पा रही है, इधर मेरी राधारानी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे बस यही हम कामना करते हैं। और श्री जी के देखिए चौखट के दर्शन आप कीजिए। और अभी हम और भी सेवाएं जो होंगी जो मेरी राधारानी परिवार से सेवाएं होंगी, अभी हम बहुत सेवाएं श्री जी के लिए अर्पित करेंगे। तो सभी जाप करते रहिए और राधे राधे बोलते रहिए और श्री जी की कृपा का आनंद प्राप्त करते रहिए। एक बार हम आपको देखिए श्री जी के महल से संपूर्ण बरसाना का जो नज़ारा होता है वो सच में बहुत ही प्यारा होता है। देखिए श्री जी ये प्यारा बरसाना, इधर पुजारियों की जो पत्नियां हैं बेटियां हैं वो भजन गाकर अपने करवा चौथ के दिन इंतज़ार कर रही हैं। चंद्रमा कहीं पूरी तरह से कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। श्री जी के महल से दूर से ही सबसे पहले चंद्रमा के दर्शन होते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था, चंद्रमा सबसे पहले श्री जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं, उसके बाद सभी को दर्शन देते हैं। तो आज भी उसी तरह से चंद्रमा सबसे पहले श्री जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएंगे, उसके बाद सभी माता बहनों को दर्शन देंगे, उसके बाद वो अपना व्रत चंद्रमा को अर्घ देकर अपना व्रत खोलेंगी। अपनी पत्तियों की लंबी आयु के लिए उन्होंने जो व्रत रखा है
उसे हम व्रत खोलकर अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। और देखिए मैं आपको एक बार जूम करके दिखाता हूँ, क्योंकि इस टाइम देखिए सभी को इंतजार रहता है चंद्रमा का, और चंद्रमा एक एक पल एक एक मिनट के लिए तरसाता रहता है। चंद्रमा एक एक मिनट इंतजार रहता है कि कब चंद्रमा के दर्शन होंगे, कब हम व्रत खोलेंगे। तो चंद्रमा की जो चांदनी है, चंद्रमा की जो रोशनी है, वो इस तरह से निकलती है और श्री जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाती है, और फिर उसके बाद सभी दर्शन करते हैं। सच में आनंद आता है। श्री जी सभी पर कृपा करती रहें और आप सभी राधे राधे बोलते रहें। मैं बस उसी दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब पूरे महल में जब दीप उत्सव होगा ऊपर से लेकर नीचे तक। देखिए हम पूरा उत्सव जो मनाएंगे मेरी राधन परिवार से श्री जी की ऊपर की जो चोटियाँ हैं वहाँ से लेकर नीचे तक पूरे महल को दीपोत्सव से इस तरह से सजाएंगे। इस तरह से एक एक दीपक लगाकर हम इस महल को इस तरह से चमका देंगे, इस तरह से दुल्हन की तरह से सजाएंगे कि आप भी इस रस में डूब जाओगे और आनंद लोगे हमारे साथ, मेरी राधानी परिवार के साथ जुड़कर आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझोगे। और उस दिन हम एक स्पेशल लाइव आपके लिए लेकर आएंगे, और अभी बहुत स्पेशल चीज़ें हैं, मैं अभी नहीं शेयर कर रहा हूँ। अभी टाइम आने पर हम श्री जी के और करीब चलकर श्री जी की सेवाओं का, श्री जी की लीलाओं का आनंद लेंगे। अभी से चंद्रमा की ओर निगाहें जाने लग गई, चंद्रमा को देखने के लिए, दर्शन के लिए तरसने लग गई। लेकिन चंद्रमा अभी तो काफ़ी इंतज़ार कराने वाले हैं। हमारे यहाँ तो ब्रजवासी आज के दिन पकवान बनाते हैं, कोई दाल बाटी चूरमा बनाता है, कोई हलवा पूड़ी सब्जी बनाता है, तो चकाचक ब्रजवासी आनंद लेते हैं और चकाचक चूरमा के साथ अपना आनंदमय जीवन बिताते हैं। और कार्तिक महीने में तो देखिए बहुत सारे, कार्तिक की पूर्णिमा आने वाली है, भाई दूज आने वाली है, दिवाली आने वाली है, गोवर्धन पूजा आने वाली है, बहुत सारे पर्व हैं जो आएंगे जिसका हम आनंद लेंगे। और आपका सहयोग की बहुत ज़रूरत है, जो हम सेवा करेंगे जिसमें सभी मिलकर श्री जी के और भी सेवाओं के साथ आनंद लेंगे। तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप सभी इस आनंद को लेते रहिए। और मैं आपको एक चमत्कार शेयर करूँ कि जो कार्तिक कहते हैं ना, कार्तिक के महीने में जो स्नान करते हैं उसमें क्या फल मिलता है। प्रभु की तो प्राप्ति होती है, लेकिन एक चमत्कार जो मुझे एक शेयर किया एक भक्त हैं, आंटी जी जो कि उत्तम नगर में रहती हैं, वो कार्तिक के महीने में स्नान करती थी नित्य प्रति सुबह 3:30 बजे जगकर, 3:30 बजे जगती थी, नीचे मोटर चलाकर 4 बजे अपने स्नान आदि करके कार्तिक की कहानी पढ़ती थी। घर वाले सभी बच्चे परेशान करते थे, मम्मी इतना क्यों जगती हो, इतनी जल्दी क्यों जगती हो, कार्तिक नहाने से क्या होगा क्या नहीं होगा। उनके पति उनसे खूब डांटते थे कि क्यों इतनी जल्दी जगती है, क्या करती है, कुछ नहीं होना, ये नहीं होना, क्या करेगा कार्तिक तेरा। एक बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन सच में बहुत अच्छी सीख देने वाली है, आंखें खोलने वाली है, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। तो उसके बाद वो ना अपने बच्चों की सुनती थी, किसी की नहीं सुनती थी, और हर साल कार्तिक नहाया करती थी। तो एक समय वह कार्तिक नहा रही थी, परिवार वाले उनसे कहते थे, वो इधर से सुनती थी उधर से निकाल देती थी। तो एक दिन क्या हुआ, वह जब कार्तिक की वजह से सुबह 3:30 बजे जब जगी, जब 4 बजे जब उन्होंने मोटर चलाने के लिए नीचे जाने लगी, तो नीचे
कोई चोर एक मोटर खोलने की आवाज़ उन्हें महसूस हो रही है। जब उन्हें पता चला कि कोई नीचे आ गया है और कोई मोटर को खोल रहा है, तो वो नीचे गई, जगा कर देखा तो वह जो व्यक्ति था, जो चोर आया था, बनकर आया था, वह उन्हें देखकर भाग गया। और उसके बाद पता चला, जब शाम के टाइम उनको पता चला कि उस कॉलोनी की कई सारी पानी की मोटरें चोरी हो गई, कई सारी मोटरें चोरी हो गई। और तब सब लोग कहने लगे, उनके बच्चे कहने लगे कि मम्मी, आज आपके कार्तिक की वजह से हमारी चोरी होते हुए बच गई। क्योंकि सुबह जगने से तो देखिए लाभ तो है ही है, सूर्योदय से पहले जगना और स्नान करके ठाकुर जी का पूजा पाठ करना, ये सबसे सौभाग्यशाली दिन होते हैं। जो सूर्योदय से पहले जगकर पूजा पाठ करते हैं जो भी भक्त, वो साक्षात प्रभु की सेवा में जो भी अपना भाव सुनाते हैं, जो भी भाव से वो रहते हैं, वो साक्षात प्रभु को अर्पित होते हैं। तो आप भी जुड़े रहिए और राधे राधे बोलते रहिए, और मिलते हैं हम कल ठीक 10 बजे फेसबुक से लाइव, मेरी राधारानी। और आप भी कल जुड़कर आनंद लीजिएगा हमारे साथ। राधे राधे, जय जय श्री राधे, बोली राधा रानी की जय। श्री लाडली लाल विजयते तराम, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। और एक बार हम चौखट के दर्शन कराकर अपना वीडियो विराम करते हैं, और फिर कल लाइव में और भी लीलाओं के साथ जुड़ेंगे हम। बोली राधा रानी की जय, श्री लाडली लाल की जय, विश्वान दुलारी की जय हो, भक्तन की प्यारी की जय, बरसाने बाली की जय, श्यामा प्यारी की जय, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्री लाडली लाल की जय हो, विश्वान दुलारी की जय हो, भक्तन की प्यारी की जय हो, राधा रानी की जय हो, राधा रानी की जय हो, श्यामा प्यारी की जय हो, श्यामा प्यारी की जय हो, राधा रानी की जय हो, श्यामा प्यारी की जय हो, जय जय श्यामा, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी राधे प्यारो श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। राधा रानी की जय। सभी दर्शन करके श्री जी की चौखट के अपने आप को धन्य धन्य बनाइए, क्योंकि श्री जी की चौखट से ही सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। कहते हैं, तेरे दर पर आने से पहले बड़े कमज़ोर होते हैं, और तेरी चौखट के दर्शन करते ही कुछ और होते हैं। हे श्री जी, जब हम तुम्हारे दर पर आते हैं तो हम सारे दुख दर्द लेकर आते हैं, लेकिन जैसे ही हम तेरी चौखट पर जब पहुंचते हैं तो हम सारे दुख दर्द भूल जाते हैं। देखिए, ये जो महिला भक्त हैं, यही श्री जी के महल में, श्री जी के महल में अर्घ देंगी और चंद्रमा का इंतज़ार करके अपना व्रत खोलेंगी। तो देखिए, ये भी तो बहुत बड़ी भाग्यशाली बात है, ये भी यहाँ से चंद्रमा का इंतज़ार होगा,
चंद्रमा का इंतजार करेंगे और चंद्रमा को श्री जी के महल में, लेकिन लोटे में, ये लोटे में जल लेकर आई हैं और ये जल अर्घ देकर अपना व्रत खोलेंगे और चंद्रमा बिल्कुल ठीक ऊपर से श्री जी के दर्शन करेंगे और ये अपने पतियों के साथ में यहाँ उपस्थित हुई हैं, अपने पतियों के साथ यहाँ उपस्थित होकर पहले चंद्रमा को अर्घ देकर अपने पतियों के साथ इस व्रत को पूरा करेंगे। देखिए और भी महिला जो भक्त हैं यहाँ श्री जी के महल में चंद्रमा का इंतजार कर रहे हैं और आप भी इसी तरह ठाकुर जी का नाम लेकर अपने व्रत को खोलिए और आनंद लीजिए। अभी चंद्रमा में टाइम है, मेरा लाइव विराम होने वाला है, तो नहीं तो हम ज़रूर आपको दिखा दें। तो हम फिर से एक बार श्री जी की चौखट पर पहुंच चुके हैं। कहते हैं दुनिया की बनाई दौलत नहीं देखी, दिलों में छुपी शोहरत नहीं देखी, जो कहते हैं ना भगवान नहीं है इस दुनिया में, उन्होंने बरसाना में बैठी राधा रानी की चौखट नहीं देखी। श्री जी की चौखट के अगर दर्शन कर लिए तो समझ लो साक्षात आपको श्री जी के दर्शन हो गए, क्योंकि यह वही चौखट है या साक्षात श्री जी के चरण कमल इस चौखट पर जब आते जाते रहते हैं। श्री जी इसी चौखट से निधवन में रास करने के लिए जाती हैं, ठाकुर जी वृंदावन से आते हैं, तो हम इसी चौखट पर अपना मत्था टेक कर अपने आप को धन्य धन्य समझते हैं। तो आप भी शेयर करते रहिए ताकि और भी भक्तों को श्री जी की चौखट के दर्शन हों और हम श्री जी की चौखट पर भक्तों के द्वारा दीपक भी जलाएंगे और ऐसे ही आपके एक शेयर से और वही भक्त जुड़कर श्री जी की चौखट के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और मेरी राजधानी की कृपा तो देखिए है ही है, और इससे बड़ी कृपा क्या होगी जब श्री जी के महल में मेरी राधा रानी की सभी भक्तों जब देखते हैं तो बस एक ही बात कहते हैं, मेरी राधा रानी, सच में हाँ, सच में हम सबकी राधा रानी है, श्री जी हम सबकी है, श्री जी हम सबकी रहेंगी, हाँ श्री जी हम सबकी रहेगी। इधर पुजारी जी की परिवार है और इस तरफ ये जो महिला है बरसाना की नहीं है, ये महिला भक्त हैं, कहीं दिल्ली की हैं जो बरसाना में रहती हैं, बरसाना में इनका निज वास है, बरसाना में मकान है, तो यही इनकी कामना है कि जब बरसाना में जब हमें वास दिया है श्री जी ने, तो हम जो व्रत है वो भी श्री जी के महल में ही चंद्रमा को अर्घ देकर अपना व्रत खोलें और पतियों के दर्शन करें, ऐसा माना जाता है। तो चलिए अब हम अपना वीडियो विराम करते हैं। सभी को जय जय श्री राधे, बोली राधा रानी की जय, विश्वान दुलारी की जय हो, राधा रानी की जय, विश्वान नंदिनी की जय हो, जय जय श्री राधे, राधे राधे, गुलाली लाल की जय। तो कल सुबह हम 10 बजे सुबह जुड़ेंगे आपके साथ और आप भी हमारे साथ जुड़कर आनंद लीजिएगा हमारे लाइव का, और सच में आपको बहुत आनंद दिलाएंगे हम इस लाइव के माध्यम से। आपको श्री जी तक पहुंचाने का हमारा जो प्रयास है कि आप श्री जी से जितना दूर हैं हमारा उतना ही प्रयास है कि हम आपको उतने ही श्री जी के पास लिए चलें। और आप नित्य प्रति श्री राधा कृपा कटाक्ष का जाप कर पाठ करते रहिए और जाप करते रहिए श्री लाडी लाल विजय तेतराम श्री कुंज बिहारी श्री हरदास का, और छोड़ दीजिए सब कुछ श्री जी के भरोसे। श्री जी सब कुछ बहुत अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि जब श्री जी पर आप जब छोड़ दोगे तो श्री जी ही की कृपा आपको हर कार्य में सफल बनाएगी। तो जय
जय जय श्री राधे बोला डी लाल की जय 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 श्री राधे।